एक नंबर का फर्क है दोनों के दरमियान। मसूद वो खुद नहीं आ
हैं, लेकिन उनके तंत्र के जिम्मेदार हमारे ये भी कन्मदन के यहाँ की है। प्रति मील यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर खास दे पा रहे हैं। ये भी अच्छी नाम भरता है। जान नहीं भी मान सकेंगे, उनके यहां पर मुझे जिम्मेदार आए हुए साझेदार पर। ये बच्चा बिल्कुल अकेले में आया और अकेले में इनको आकर उन्होंने कहा कि मैं इस संध्यान में हिस्सा लेना चाहता हूं, क्या मुझको मौका मिल सकता है? क्योंकि उससे सारी खत्म हो रही। मैंने कहा अगर आप तैयार हो कम वक्त में कल, तो आपको यह एतराज नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और इन्होंने उस वक्त बड़ी माजरत की और वो मेहनत समझ करके इन्होंने काम मुझे दे दी। मैंने इनको दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने भी बहुत मेहनत की, कम वक्त में इन्होंने पूरी किताब पढ़ ली और बहुत अच्छे जवाब दिए थे। इनके लालपुरा दूसर के एरिया के लालपुरा नजदीक में पॉइंट नंबर 8-90 है। तो इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि मौलाना सज्जाद साहब वो तशरीफ लाए और इनको में तीन नामा तीन खुशकिस्मत बच्चे जिनने इंतहाई ज्यादा मेहनत की थी, उन तीन बच्चों को मैं एक चर्चा बुलाऊंगा। सबसे पहले तीसरा इनाम हासिल करने वाले, थर्ड पोजिशन हासिल करने वाले जो है वो बच्चे है। किताबें दी जा रही हैं और 5 लाख का चेक और उनको प्राप्त के पास इनाम आया। इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा हजरत मौलाना से, हजरत मौलाना अपने हाथ से उनके उनके वालिद साहब आए हैं। अब दूसरी पोजिशन हासिल करने वाले आसिफ साहब, आसिफ नबी मड़वा किश्तवाड़ के हैं और इस वक्त 96% के मार्क्स हैं और 10,000 रुपए की उनको किताबें दी जा रही हैं और 10,000 का चेक उनको दिया जा रहा है। और अब आखिर में फर्स्ट आने वाले तालिबे इल्म बिलाल अहमद खटाना, तब मेहनत और ऐसे सवाल की जवाब की मुश्किल से 3 नंबर हमने इनके काम कर दिए। 97% मार्क्स हैं इनके। 15,000 की किताबें और 15,000 नकद चेक और उसके साथ इनको प्राप्ति की जाए।
इनामत दिए जा रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। उलमा यहाँ मौजूद है, दानिशवरान की एक तादाद भी मौजूद है और असातिज़ा और उस्तानिया भी हैं, तलबा और तालिबात भी हैं। ये एक अहम पेशरफ है और इस बात की बड़ी अहमियत और जरूरत है। कल मौलाना अली मियां फरमाया करते थे कि सीरत का या अहादीस नबवी का मौजू क्या है, सवाल फरमाते थे और फिर आपने उसका जवाब भी दिया, बल्कि एक पूरी किताब लिखी है मौलाना ने कि अहादीस नबवी जो सीरत और किरदार का आईना है। फरमाया कि उसका मौजू इंसानी जिंदगी की तशकील, सीरत का मौजू इंसानी जिंदगी की तशकील, इंसानी जिंदगी किस कद्दोकाल में, किस रूप में, किस शबाहत में, उसका हुस्न जमाल निखरता है और उसका चेहरा मुनव्वर होता है, इंसानियत समझती है। उसके कद्दोकाल अगर हम तलाश करना चाहें तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार के आईने में